फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो हाल ही में आप में से काफी सारे लोग मुझे इंस्टाग्राम पे ये बोल रहे हैं कि देखिए दीपिका पादुकोण ने बीटीएस को फॉलो किया इंस्टाग्राम पे। तो इस चीज को सुनने के बाद मैंने कहा क्या सच में दीपिका पादुकोण बीटीएस को फॉलो करी इंस्टाग्राम पे, और क्या सच में दीपिका पादुकोण बीटीएस के फैन है भी कि नहीं। तो आज के वीडियो में मैं आप सभी को यही बताऊंगा। तो अगर आप सभी को ये जानना है तो इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। तो अगर बात करें कि क्या दीपिका पादुकोण बीटीएस को इंस्टाग्राम पे फॉलो करती हैं, तो इसका जवाब जानने के लिए मैं गया दीपिका पादुकोण के इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे, और वहाँ पे मैंने चेक किया कि दीपिका पादुकोण किन किन को फॉलो करती हैं। तो वहाँ पे मुझे दिखे सबसे ऊपर बीटीएस, यानी कि ये तो साफ हो गया कि दीपिका पादुकोण बीटीएस को फॉलो करती हैं। और जब दीपिका पादुकोण बीटीएस को इंस्टाग्राम पे फॉलो करती हैं तो ये भी साफ हो जाता है कि दीपिका पादुकोण बीटीएस के फैन भी होंगे, तभी तो वो फॉलो करी हैं उन्हें। और वैसे भी इससे पहले दीपिका पादुकोण ऐसे कई सारे हिंट दे चुके हैं जिससे कि आर्मी को ये पता चल गया था कि वो बीटीएस के फैन हैं। और बाकी मुझे ये तो नहीं पता कि दीपिका पादुकोण बीटीएस को कब से फॉलो कर रही हैं या उन्होंने हाल फिलहाल में बीटीएस को फॉलो किया है, क्योंकि मुझे तो पता चला आप सभी के मैसेज आने के बाद। क्योंकि जब मैंने कुछ महीनों पहले ये चेक किया था कि क्या दीपिका पादुकोण बीटीएस को फॉलो करती है इंस्टाग्राम पे, तो उस वक्त तो दीपिका पादुकोण बीटीएस को फॉलो नहीं करती थी, बट नाउ वो बीटीएस को फॉलो करी हैं। यानी कि अब तो ये ऑफिशियली हो गया कि दीपिका पादुकोण बीटीएस के फैन हैं और वो बीटीएस को पसंद करते हैं। और वैसे अगर आप में से किसी को पता हो कि दीपिका पादुकोण कब से बीटीएस को फॉलो करी है इंस्टाग्राम पे, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यही थी आज की वीडियो। आई होप आज की वीडियो आपसे को पसंद होगी। अगर आपसे को वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक कर दें। अगर आपसे हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।